दोस्तों फाइनली द बिग गाय द रॉक ने अपना रिटर्न कर लिया है बैड ब्लड में और उन्होंने चैलेंज कर दिया है कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस को। तो क्या सब हुआ बैड ब्लड के मेन इवेंट में, उन्हीं सारी चीजों के बारे में करेंगे बात। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग हो गया, वीडियो के अंत तक बने रही। तो दोस्तों मैच की स्टार्टिंग हमें कोडी रोड्स एंड जैकब फाटू करते हुए दिखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे मैच में पिकअप पकड़ते हुए दिखता है। उसके बाद जैकब फाटू जब टैग सोलो सिकवा को देते हैं तब रोमन रेंस कोडी रोड्स से टैग मांगते हैं और कोडी रोड्स टैग भी दे देते हैं। इसके बाद रोमन रेंस बहुत बुरी तरह से अटैक करते हैं सोलो सिकवा पर, लेकिन फिर सोलो सिकवा टैग दे देते हैं जैकब फाटू को। इसके बाद जैकब फाटू बहुत बुरी तरह से अटैक करते हैं रोमन रेंस पर। इसके बाद एक मोमेंट ऐसा आया जब सोलो सिकवा पिन कर रहे थे रोमन रेंस को, तभी हमें कोडी रोड्स आकर बचाते हुए दिखते हैं। इसके बाद रिंग में रोमन रेंस एंड सोलो सिकवा रहते हैं, वही बाहर जैकब फाटू एंड कोडी रोड्स, जैकब फाटू अटैक करते हैं कोडी रोड्स पर और वही कोडी रोड्स भी अटैक करते हैं जैकब फाटू पर। इसके बाद एक मोमेंट ऐसा आता है जब कोडी रोड्स जैकब फाटू को एनाउंसर टेबल पर लेटा देते हैं और कोडी रोड्स टॉप रोप पर चढ़कर वहां से स्प्लैश लगा देते हैं जैकब फाटू पर। इसके बाद जैकब फाटू एंड कोडी रोड्स दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके बाद रिंग में बचते हैं सोलो सिकवा एंड रोमन रेंस, ये दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं। पहले रोमन रेंस पंच लगाते हैं, उसके बाद फिर सोलो सिकवा भी पंच लगाते हैं। इसके बाद एक मोमेंट ऐसा आता है जब रोमन रेंस अपना फिनिशर स्पेयर का यूज करने वाले होते हैं सोलो सिकवा पर, तभी हमें रिंग साइड पर देखने को मिलते हैं टमाटोंगा एंड टांगालोवा, जिससे रोमन रेंस डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उसका फायदा सोलो सिकवा उठा लेते हैं। पहले तो वो रोमन रेंस पर अटैक कर उन्हें पिन करते हैं, लेकिन रोमन रेंस किक आउट कर देते हैं। इसके बाद जब सोलो सिकवा अपना फिनिशर समोन स्पाइक लगाने जाते हैं, तभी वहां पर हमें देखने को मिलते हैं जिमी उसो, जो अटैक कर देते हैं टमाटोंगा एंड टांगालोवा पर, जिससे सोलो सिकवा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उसका फायदा उठाकर रोमन रेंस स्पेयर देकर पिन करते हुए मैच को जीत लेते हैं। इसके बाद फिर हमें ये दोनों भाई जिमी उसो एंड रोमन रेंस गले मिलते हुए दिखते हैं और यहाँ पर आप रोमन रेंस के फेस में देख सकते हैं अपने भाई जिमी उसो के लिए कितना प्यार है। इसके बाद फिर रिंग में कोडी रोड्स आ जाते हैं और कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस सामने सामने खड़े होते हैं। फिर यहाँ से रोमन रेंस एंड जिमी उसो जाने लगते हैं और वो रिंग छोड़ देते हैं, जिसके बाद रिंग में सिर्फ कोडी रोड्स रहते हैं। लेकिन तभी हमें ब्लड लाइन अटैक करते हुए दिखते हैं कोडी रोड्स पर, जिसके बाद रोमन रेंस एंड जिमी उसो यहाँ पर बचाते हैं कोडी रोड्स को और ठिकाने लगाते हैं ब्लड लाइन को। इस मोमेंट पर हमें लग रहा था कि रोमन रेंस एंड जिमी उसो अटैक करने वाले हैं कोडी रोड्स पर, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि रोमन रेंस यहाँ पर सिंपली अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप उठाकर दे देते हैं कोडी रोड्स को। लेकिन तभी म्यूजिक हिट होता है बिग गाय द रॉक का, जिसके बाद पूरी की पूरी एरेना वहां पर पागल हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर द रॉक निकल कर आते हैं, जिसे देखने के बाद कोडी रोड्स की फट गई थी और रोमन रेंस के चेहरे में भी एक डर देखने को मिल रहा था और वही न्यू ब्लड लाइन भी यहाँ से चली गई। दोस्तों द रॉक ने तो यहाँ पर कुछ नहीं बोला था, लेकिन उन्होंने 1 2 3 साइन जरूर बनाई। तो दोस्तों देखा जाए तो द रॉक ने एक तरह से वार्निंग दे दी है, लेकिन किसे, रोमन रेंस को या फिर कोडी रोड्स को, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो दोस्तों आपको बैड ब्लड प्रीमियम लाइव इवेंट कैसा देखने में लगा, आप में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।